subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Yeah. Okay, सबसे पहले आपका जो गाना है उसके लिए congratulations. जिसने अब तक गाना नहीं देखा है उनको अगर बताना हो गाने के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा just go to Desi Records channel, give it a thumbs up and you can just write Punjabi 2020, you can get the song on YouTube. Right. Also, हमने गाने में देखा कि एक देसी मुंडा जो है एक विदेशी मैम के साथ हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का सीन एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस इट्स माय डेब्यू सॉन्ग तो मतलब बड़े टाइम का चार सिंगर की मैं सिंगिंग में डेब्यू कर रहा हूं बिकॉज़ जो पंजाबी होते हैं उनको गाने का बहुत शौक होता है तो आई इट केम द आईडिया केम टू मी तो आई वाज लाइक सर्चिंग तो इसके पास आईडिया पहुंचा इसके पास आईडिया पहुंचा एंड आई वाज लाइक कि कब करना है लेट्स डू इट टुमारो ओनली It was very spontaneous. It was very random. मतलब and moreover कि काबुल और मैं हम बहुत पुराने दोस्त हैं हम लोग काफी shows और you know काफी shoot कर चुके हैं एक साथ तो लोगों को ऐसे ही था कि काबुल और रुमा कुछ interesting करे जल्दी करे and I think this was the first time जब हम लोगों ने ऐसा plan किया कि चलो यार अब साथ में कुछ अलग करते हैं Right. We have seen the beautiful locations over there. So, tell us about the location or कैसे वहाँ पे कैसा माहौल था on set और it was a very beautiful fort, Nalagarh fort. So that is basically made for the shooting purpose only. तो बहुत अच्छा सेटअप उन्होंने किया हुआ था बिहार अंदर swimming pool, amazing location and the best part was उसकी जो छत थी उसकी छत से पूरा शहर दिखता था. रुमा how was your experience over there? Like मैं चंडीगढ़ first time shoot करने गई थी and मैं चंडीगढ़ जब shoot करी थी मैं काबुल के घर पे रुकी थी और मुझे सबसे best part ये लगा कि अंकल आंटी ने मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है तो मुझे काबुल से ज़्यादा मुझे अंकल आंटी से प्यार हो गया and of course जब हम shoot करे थे हमारी पूरी crew director DOP even spot दादा everyone was so you know so good so supporting हमें इतना प्यार है उन्होंने और हमें मजा आया लाइक हमें लग ही नहीं रहा था कि हम ये लोग कि फर्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ गाना शूट कर रहे हैं वी वर लाइक सब फैमिली है यार सब अपने लोग है मजा आ गया राइट कवल एज अ सिंगर कौन इंस्पायर करता है आपको और किसके मतलब ध्यान में रख के आप देयर आर सो मेनी सिंगर्स बट आई रियली एडमायर दिलजीत दोसांझ एंड आई रियली अप्रिशिएट गिप्पी गरेवाल एंड आजकल नवा ट्रेंड चल रहा है सिद्धू मूसेवाले का चंगा मुंडा अच्छा गाता है टैलेंटेड है तो मैं भी उन्हें बहुत फॉलो करता हूँ बिकॉज जी नवी चीज़ा मार्केट के आदि है उन्होंने अप्रीशिएट करना इट्स नॉट वेरी इजी बट वैन यू रियली अप्रीशिएट यू गेट टू नो कि नहीं यार कुछ तो बात होगी इस बंदे में बट आई रियली लव दिलजीत दोसांझ एंड गिप्पी वाली So have you taken his reaction for the song or did you get a chance to meet him the song they have loved it because I was shooting for a film with apna Diljit bhai last year to unko maine ek idea diya tha maine bhai thode piche piche maine bhi aa gaya yaar koi nahi shabash era chakre batte so that was his reaction to ki aaj aap singer ban gaya to maza aa gaya Ruma who inspires you as an actor करीना कपूर लाइक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ करीना कपूर एंड आई नो लाइक समथिंग इज देयर विद हर तो मुझे लगता है कि यार अगर मैं उनकी 5% भी बन गई ना तो आई हैव अचीव समवेयर तो या लाइक शी इज द वन इन द बॉलीवुड कि जो मुझे इंस्पायर यू नो इंस्पायर करती है बहुत ज्यादा सो उनकी कौन सी फिल्म है जो मतलब आपको सबसे ज्यादा वैसे तो आपको सब फिल्में पसंद होगी जब भी मैं सॉन्ग See, first of all, that was something mandatory. If I am singing, so definitely I will be there because being an actor, people have you know loved me on screen, maybe small screen or maybe the big screen. But this was the first thing. If I sing a song, then the feature will be Mumbai. Right. But apart from me, there has to be a girl. Glamour hona gaane bahut zaroori hai. Without glamour, the song is not going to Right. So was it easy or difficult for you to? Feature as well as sing the song featuring myself and performing was not easy because I'm a performer
बट द प्रोसेस वॉज रियली डिफिकल्ट बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग. और आप वो कहते हैं ना कि जब आप पहली बार कोई चीज करते हो तो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिफरेंट बिकॉज यू डोंट नो द प्रोसेस. यू डोंट नो द प्रोसेस. यू डोंट नो द बेसिक्स की वॉट इज द एबीसीडी ऑफ सिंगिंग. सो आई लर्न द एबीसीडी ऑफ सिंगिंग. तो माई फ्रेंड विक्की ही वॉज अ रियल सपोर्टर. उसने मुझे गाना सिखाया, बेसिक सिखाए. ही हिमसेल्फ इज अ सिंगर एंड अ रैपर. बी वॉट इज म्यूजिक, हाउ यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड. बिकॉज एज एन एक्टर एक्टिंग, it's been like 8 years I've been doing acting on a small and big screen. But as a singer, agar aapke basics clear nahi hai, then things are very difficult. To wo basics clear karna was zaruri tha. Right. Also, Ruma, what compliment you are getting for this song? And matlab kya baat kar rahe hain log sabke bare mein aur family se kya reaction hai for the song? So my mom is like, unko sabse important ki jo hamara gaane ka naam hai Punjabi. So everyone is saying कि सच में पंजाबी पूरी लग ही रही है. So we are like, my family is very happy to see me in that avatar. So I'm getting very nice compliments. Especially मुझे कमल ने बोला था कि उसके काफी दोस्तों ने बोला कि यार हमने रुमा को कभी तो देखा नहीं है. So very happy to see her like this. So I think जो हमने सोचा था कि हम जो एक picture लोगों के mind में डालना चाहते थे हमारे गाने के through, हमारे looks के through वो लोगों तक पहुंची है. And it is, I think, हम लोग जो चाहते हो गया. वी आर हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. लोगों का बहुत प्यार मिला है हमें. सो यू नो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. राइट. सिंस आप दोनों यहाँ पर है तो हो जाए अगर गाने की दो लाइनें हमारी ऑडियंस के लिए. जिसने हो लगदा तू सुनया नहीं पंजाबियां बारे. हो जान कुछ किसे नाल पौधे नाल लड़ाई. हक सच नाल सर करन कमाई. जान कुछ किसे नाल पौधे नाल लड़ाई. हक सच नाल सर करन कमाई. तेरा ला मेरे राले पके पंजाबियां दी चढ़दी कला रब रखे. पंजाबियां दी चढ़दी कला रब रखे. पंजाबियां दी चढ़दी कला रब रखे. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thanks a lot.